हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि हमने दो दिन पहले प्रॉमिस किया था कि हम सार्क पे एक वीडियो बनाएंगे, ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग में यूजफुल होगा, एसे राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, उसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इससे पूछा जाता है कभी कभी सार्क में कितने मेंबर हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ सार्क, या विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, या फिर सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, सार्क कब बना, ठीक है, फिर लास्ट मीटिंग कब हुआ, ये दिस ऑल थिंग्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फिर कौन से फाउंडिंग मेंबर थे, तो देखो सिर्फ अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया, और बाकी जो है ये सेवन जो है वो सार्क के जो है वो फाउंडिंग मेंबर हैं। इनफैक्ट देखोगे तो इंडिया का बॉर्डर सबसे लगता है इन द सेंस कि जैसे अफगानिस्तान से इस समय हमारा प्रैक्टिकल बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन जो चूंकि इसका जो बॉर्डर लगता है वो पीओके से लगता है, और पीओके को हम अपना मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है 106.7 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान से लगता है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो बांग्लादेश डायरेक्ट हमारा लैंड बॉर्डर है, भूटान हमारा लैंड बॉर्डर है, इंडिया हम है ही है, मालदीव से हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है लेकिन वाटर बॉर्डर है, ठीक है, वाटर बॉर्डर है, नेपाल हमारा लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान लैंड बॉर्डर है, श्रीलंका हमारा वाटर बॉर्डर है, ठीक है ना, वाटर से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं ये कंट्री जो है, और यदि देखोगे ये जो कंट्री है तो पाकिस्तान, ये इंडिया का अकेले लो, ये सारे और कंट्री के पॉपुलेशन कंबाइंड भी लो, एरिया लो, तो इन सब में इंडिया सबसे बड़ा है। तो इंडिया जो है वो बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर का भूमिका अदा करने की जरूरत है। और ये सारे के सारे, जैसे देखो अफगानिस्तान के साथ हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस है कि जब तक अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो अभी जैसे अशरफ घनी है, तो अशरफ घनी ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, तो उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है, लेकिन तालिबान आता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। तो पिछले लॉन्ग टाइम से वहाँ इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो हमारा रिलेशन ठीक रहा, तो हम अफगानिस्तान कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की जरूरत है। बांग्लादेश के साथ अभी हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा, भूटान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा, मालदीव के साथ बीच में प्रॉब्लम हुआ था लेकिन अभी हमारा अच्छा चल रहा है रिलेशन, जब से इब्राहिम मोहम्मद सोले बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, तो हमारा अच्छा चल रहा है। नेपाल से लॉन्ग टर्म से हमारा रिलेशन अच्छा था, बीच में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ रहा है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ चाइना एंड क्लोजनेस ऑफ नेपाल टू चाइना। पाकिस्तान के साथ ही मेजर प्रॉब्लम जो सार्क का भी फेलियर का है, हम देखेंगे मेजर प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कारण है। श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है, तो अभी जैसे महिंद्रा राजपक्षा जो प्रेसिडेंट थे तो हमारा रिलेशन थोड़ा सा खराब हुआ था, महिंद्रा राजपक्षा के बाद जब उनके हटने के बाद मैत्रीपाल सिरिसेना थे तो हमारा रिलेशन ठीक था, फिर से अभी महिंद्रा राजपक्षा के भाई गोटाबाया राजपक्षा जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अभी रिलेशन मीन्स ओके है, चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सार्क के बारे में चीजों को, तो एक यहाँ देखो जैसे हमने हेडिंग दिया है इज इट स्टिल रिलेवेंट, तो देखो समटाइम में भी आर्गुमेंट राइटिंग में पूछा जा सकता है कि स्टील क्या सार्क रिलेवेंट है, तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में देना है, फिर उसके बाद आपको एसे में भी आ सकता है या रिपोर्ट राइटिंग में, और हमने बोला ऑब्वियसली है पेपर वन में एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको जानने की जरूरत होती है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। देखो क्यों न्यूज में था ये रिसेंटली, तो रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग लीडर्स ऑफ सार्क रिलेटेड टू कोविड-19, तो कोविड-19 पूरे दुनिया को परेशान किए हुए है कोरोना वायरस, जिसके संबंध में इंडिया ने अपने पड़ोसियों के साथ मिल करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है आप लार्जेस्ट हैं हर चीज में, इकोनॉमी आपका इकोनॉमी में लार्जेस्ट हैं, एरिया में लार्जेस्ट हैं, पॉपुलेशन में लार्जेस्ट हैं, रिसोर्सेस में लार्जेस्ट हैं, एवरीथिंग डाइवर्सिटी में आप ये हैं, तो हर वो चीज में आप लार्जेस्ट हैं, तो आप उसको अहम भूमिका आपको अदा करने की जरूरत है।
इनफैक्ट देखा जाए तो यदि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब देशों के प्रमुखों ने भाग लिया, प्रमुख देश का प्रमुख इन द सेंस, उस सेंस में नहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख की बात मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज स्टेट का प्रमुख डिफरेंट, जैसे इंडिया में स्टेट के चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन एज ए गवर्नमेंट के चीफ जो है तो गवर्नमेंट के तरफ से जो चीफ है वो सब ने पार्टिसिपेट किया। जैसे इंडिया के ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो इनिशिएटिव ही लिया, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षा इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद साले ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने पार्टिसिपेट किया, भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी थी, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो क्या किया कि पाकिस्तान ने कि प्राइम मिनिस्टर ये आपके इमरान खान की जगह उन्होंने जफर मिर्जा को भेजा, ठीक है, डॉक्टर जफर मिर्जा। तो जफर मिर्जा जो है ये इनके स्पेशल असिस्टेंट हैं हेल्थ के लिए। तो आप देख रहे हो हर कंट्री अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का भेज रहा है और पाकिस्तान ने उसे नहीं भेजा। कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हम आगे देखेंगे कि जो भी है आपका सार्क फेल क्यों होता जा रहा है। जैसे हमने ये दिया कि इट स्टिल रिलेवेंट, रिलेवेंट हो या ना हो, कहीं ना कहीं आपको जब अन्य देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। दिस इज द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ये किया गया, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन के लिए किया गया, इक्विटी के लिए किया गया, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत इसको कंटेन करने के लिए। ये पॉलिटिकल कोई ड्रामा नहीं हो रहा था या पॉलिटिकल कोई इशू यहाँ राइज नहीं करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर जफर मिर्जा ने क्या किया कि कोविड 19 के जगह कश्मीर इशू को उठाया, दैट वाज द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस। तो इन लास्ट कपल ऑफ ईयर नो फॉर्मल मीटिंग टू प्लेस ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान बैड रिलेशनशिप एंड पाकिस्तान्स रिलक्टेंस टू कोऑपरेट इन कंट्रोलिंग टेररिज्म। इनफैक्ट देखोगे जो लास्ट समिट हुआ, हम इसके बारे में देखेंगे, 18th समिट, लास्ट सक्सेसफुली समिट 18th हुआ है वो 2014 में, 2014 में आपका काठमांडू नेपाल में ये हुआ। ये 19th जो था वो 2016 में पाकिस्तान में लेना अटेंड होना था, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन उरी अटैक एंड ऑल अटैक्स के कारण पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक हुआ टेररिस्ट अटैक, तो उसके कारण के से इंडिया ने बायकॉट किया, तो इंडिया के साथ साथ अन्य कंट्री ने भी बायकॉट किया। इट इज होप कि 2020 में जो आपका 20th समिट यानी कि होना चाहिए 20th समिट इस्लामाबाद में, क्योंकि 2019 में ये सॉरी जो 19th समिट था वो 2016 में वो पाकिस्तान में होना था, तो वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, बट जो 2020 में 20th समिट जो है वो होने का है फिर से पाकिस्तान में। बट स्टिल इट्स नॉट श्योर बिकॉज इंडिया एग्री होता है या नहीं, क्योंकि कुछ कंट्री ने जैसे श्रीलंका मालदीव्स ये इंटरेस्ट तो दिखाए हैं, लेकिन जब तक इंडिया प्रॉपर तरीका से हामी नहीं भरता है उस चीज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अदर थिंग्स पे एग्री नहीं होता है, तब तक इस समिट का सक्सेस होना मुश्किल है। तो इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो विच ये ठीक है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ डिड नॉट अटेंड। अब ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू शुड हैव अटेंडेड। हिज रिप्रेजेंटेटिव अननेसेसरली रेज्ड द इशू ऑफ कश्मीर विदाउट बीइंग इन एजेंडा। दिस शोज अनविलिंगनेस ऑफ पाकिस्तान इन पार्टिसिपेटिंग इन कोऑपरेशन। अब सार्क के बारे में हम देखोगे, हम मेंबरशिप के बारे में पहले ही देख चुके, और 7 जो है वो फाउंडिंग मेंबर है, और सिर्फ अफगानिस्तान जो है वो बाद में जुड़ा, यानी कि अफगानिस्तान के जुड़ने के बाद 8 मेंबर हो गए, और अफगानिस्तान 2007 में इनफैक्ट 3rd of April 2007 को पार्टिसिपेट किया। तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8th of December 1985। सार्क कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द सेक्रेटेरिएट ऑफ एसोसिएशन वॉज सेटअप इन काठमांडू ऑन 17th January 1987। ये जो सारे इंफॉर्मेशन है ये हमने सार्क के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इस चीज को ये लिया है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन एज आउटलाइंड इन द सार्क चार्टर आर, इनके जो सार्क जो बनाया गया उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं
कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, understanding and appreciation of one another's problem, to promote active collaboration and mutual assistance in the economy, social, cultural, technical and scientific fields, to strengthen cooperation with other developing countries, to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interest, and to cooperate with the international and regional organization with similar aims and purpose. देखो कहीं भी कोई भी country है वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट नहीं है, ठीक है, सेल्फ सफिशियंट नहीं है, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है. जस्ट इमेजिन करो कि भूटान है, तो भूटान एक टाइनी सा कंट्री है और वो लैंडलॉक्ड है, तो अब यदि वो दूसरे कंट्री से चाहे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसे किसी ना किसी कंट्री का हेल्प लेना पड़ेगा. इधर इंडिया का हेल्प ले या फिर चाइना का हेल्प ले, तो इंडिया का डायरेक्ट रूप से हेल्प लेता है और इंडिया विलिंगनेस दिखा रहा है इस हेल्प करने के लिए. अब देखो जो भूटान है, तो भूटान के पास एक तरह से नेचुरल जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर वो बहुत अधिक ध्यान देता है, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस वगैरह, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 60% हम इन्वायरमेंट ये जो ग्रीन कवर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करें, उसको आउटर वर्ल्ड से रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हम मदद करें, वॉट एवर फील्ड. अब जैसे भूटान के पास सपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, तो इंडिया उसको इम्पोर्ट करता है ताकि उसको रिसोर्सेस मिल सके, पैसे मिल सके. सेम सिचुएशन नेपाल, नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इट्स आर ड्यूटी की हमें हेल्प करने की जरूरत है, तो म्यूचुअल है कि वो भी हेल्प करे और हम भी हेल्प करने के लिए. बांग्लादेश के साथ हमारा मोर और लेस रिलेशनशिप ठीक है, क्योंकि जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह भी था वो ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है. कुछ चीजें हैं अभी, वाटर शेयरिंग जो है एक मेजर इशू है जो सोल्व नहीं हो पाया, तो हम म्यूचुअली इन चीजों को डील कर सकते हैं. तो सार्क एक क्या है, प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं आपसी बैर जो है, आपसी मनमुटाव है, आपसी तनाव है, उस चीज को यहाँ कम किया जा सकता इस फोरम में हम म्यूचुअल कोऑपरेट करके और इसी तरह से सिमिलर चीजों को. अब एक देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजंस एट ऑल लेवल्स आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी and bilateral and contentious issues are excluded from deliberations of the association. देखो आपके साथ किसी भी कंट्री के साथ, सपोज इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान में जो बैड टेंशन है वो आज का नया नहीं है. इनफैक्ट जिस दिन से बना है, पाकिस्तान के बनने से पहले से ही ये चीजें हैं, और पाकिस्तान जैसे ही बना, देखो 1947-48 में कबीलाई अटैक हुआ तो हुए, फिर उसके बाद 1965, उसके बाद आपका 1971, उसके बाद 1999, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आप रिसेंट में देखो 2016-2019, तो प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता. बट जो आपका बायलेटरल जो प्रॉब्लम्स है या कंटेंशियस इशू है, उसको आप इस ऑर्गेनाइजेशन से हटा दें. अभी जैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म था ये कोरोना को लेकर के, COVID-19 को लेकर के, कि पाकिस्तान के हेड को भी जो पार्टिसिपेट करना चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी, इमरान खान को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था, और इसमें एक वो उनको विलिंगनेस दिखाना चाहिए कि द अदर इशू जो कश्मीर का इशू है या हमारा जो भी आपसी इशू है, दैट साइड सेट असाइड एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स कंटेनिंग द COVID-19. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. ये चीजें होता कि हम जैसे इंडिया पाकिस्तान में मैच, हम क्रिकेट मैच ये करवाते हैं, या फिर जो है अमन की आशा, और जो है वो जो ट्रैक टू ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी है, बहुत सारी चीजों को हम करते हैं, वो उनके कुछ लोगों को हम जैसे अजमेर शरीफ में हम विजिट करने के लिए दे रहे हैं, या फिर अभी जैसे गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर के दर्शन के लिए कॉरिडोर, तो ये सारी चीजें जो है कि एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, तो सार्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. देखो सार्क के जो कंट्री है वो बहुत हद तक जो एंशियंट टाइम से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत सारे चीजों में, कल्चरली ये. अब रिलीजन के आधार पे देखो तो हर कंट्री में हर टाइप के रिलीजन्स हैं, हम एक दूसरे से शेयर्ड हिस्ट्री हमारा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अभी तक चीजों को चल रहा है, तो दिस शुड बी प्रमोटेड.
अब ये जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है सार्क में, ये क्या क्या चीज पे है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। टूरिज्म देखो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे नेपाल जो है, तो नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो बट आज के डेट में एक सेकुलरिज्म सेकुलर राष्ट्र हो गया। बट तो नेपाल में कुछ हिंदू टेम्पल हैं, या फिर जैसे जनकपुर हैं, जहाँ कहा जाता है कि जनक राजा जनक का राजधानी था, तो वहाँ लोग जाते हैं, ये वहां से लोग आते हैं, अयोध्या आते हैं और बहुत जगह में जाते हैं। तो इसी वजह से देखोगे अयोध्या और काठमांडू डायरेक्ट बस सेवा और डिफरेंट प्लेसेस से ये किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फिनांस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर्स, ये जो है एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एट मेंबर्स हैं, ये इनका एजेंडा है। अब है मीटिंग ऑफ सार्क कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सार्क का जो है एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है और सार्क का जो हेडक्वार्टर वो सिचुएटेड है वो काठमांडू में है। तो द आइडिया ऑफ मीटिंग ऑफ सार्क कैबिनेट सेक्रेटरीज सेक्रेटरी जो है तो वो सजेस्टेड बाय इंडिया इन ईयर 2008 टू डिस्कस प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेवेंट टू सार्क कंट्रीज विच वॉज वेलकम्ड बाई मेंबर स्टेट्स। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क हैज सो फार मेट 4 times, इन न्यू दिल्ली 2009 में, ढाका अप्रैल 2014, इस्लामाबाद 2015 एंड काठमांडू जून 2016। अब देखो 2016 के बाद न तो सार्क का समिट हुआ और न कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इनका ये मीटिंग हुआ। तो इनफैक्ट ये सारी चीजें होते रहनी चाहिए ताकि म्यूचुअली एक दूसरे से बेनिफिट ले सके। द फोरम इज डिस्कसिंग इशू ऑफ कॉमन कंसर्न एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसंस लर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। द फोरम ऑल्सो डिस्कसेस मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। सार्क के कुछ रीजनल सेंटर हैं, तो सार्क के रीजनल सेंटर जो हैं सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ये ढाका में है, सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है, सार्क कल्चरल सेंटर ये कोलंबो श्रीलंका में, सार्क ट्यूबरकुलोसिस एंड एचआईवी एड्स सेंटर ये काठमांडू में, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ये इंडिया। तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ना पहले और कई लोग ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट थे, लेकिन उनको कंबाइंड करके ये जो है एक बना दिया गया सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। अब है सार्क समिट। तो देखो फर्स्ट समिट वो ढाका में बांग्लादेश ढाका बांग्लादेश में हुआ 6 to 8 December 1985 एंड वॉज अटेंडेड बाई द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, किंग ऑफ भूटान एंड नेपाल एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो उस समय ऑब्वियसली अफगानिस्तान नहीं था तो और बाकी छोड़ करके सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 18th सार्क समिट तो ये आपका काठमांडू में हुआ, ठीक है, नवंबर 2014 में। 19th जो है वो इस्लामाबाद में होना था बट गोट कैंसिल्ड आफ्टर द अटैक ऑन इंडियन आर्मी कैंप इन काश्मीर, ठीक है। 20th जो है वो समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द 8 सार्क कंट्री, द 20th सार्क समिट विल टेक प्लेस इन इस्लामाबाद बट डाउटफुल ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं, वो कुछ इशू हैं, वो आपको जानना चाहिए। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आपको दोनों एस्पेक्ट्स में ये लिखना होगा यदि आर्गुमेंट राइटिंग में बोलता है, या फिर आपको यदि रिपोर्ट राइटिंग होता है तो आपके ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे काम आएंगे, या फिर एसे में भी आपके ये चीजें काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक हमारे चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।